नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची किचन से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मेथी आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है और सीजनेबल चीज़ें आ रही हैं और हमें ये बहुत फ़ायदा करती है मेथी सभी प्रकार से, तो हम उसी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो देख लेंगे हमें इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें हमने मेथी तोड़ के बिल्कुल पत्ते पत्ते रखे हैं, मैंने इसे काटा नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं मेथी को काटती हूँ तो ये और कड़ी हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे साफ़ करके, सिर्फ पत्तियाँ तोड़ के साफ़ करके रखी है। और यहाँ दोस्तों मैंने फ्रोज़न मटर ली है, टमाटर, हरा धनिया, प्याज और आलू मैंने मीडियम साइज़ के बनाए रखे हैं, और यहाँ अदरक और मिर्च। और दोस्तों, जो मैं मसाला किचन में यूज़ करती हूँ मैंने वही मसाला लिया है, कुछ अलग से मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। सौंफ, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, ये जो हम यूज़ करते हैं किचन में हमारे वही मसाले रहेंगे। नमक और ये दोस्तों तेल। तो दोस्तों हम गैस की ओर बढ़ते हैं, तो हम फ्राई पैन रखेंगे। दोस्तों मैंने फ्राई पैन रख लिया है, गैस में ऑन कर रही हूँ, इसके बाद फ्राई पैन रख दिया। हम हल्का से इसमें तेल डालेंगे। दोस्तों मीडियम तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। दोस्तों हम यहाँ जीरा डाल के देख लेंगे हमारा तेल हुआ कि नहीं। हल्का तेल हमारा गर्म हो गया है, ये हम सौंफ डाल देंगे। दोस्तों अब इसमें हम आलू और प्याज, इसको हम मीडियम आंच पर, जब तक ये आलू और प्याज ना हो जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे। बीच में हम अदरक और मिर्ची डाल देंगे। तो दोस्तों हम इसे पहले भून लेंगे, इसे हम मीडियम आंच पे ही इन दोनों चीज़ों को होने देंगे। तो दोस्तों हमें कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो ये हम बिल्कुल स्लो आंच में इसे हम पकाएंगे। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल गैस स्लो कर रखी है, हम बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने ये ढक दिया है, हम इसे बीच बीच में चेक करेंगे। दोस्तों हमारे आलू और प्याज हो गई है, हल्का सा हम अदरक और मिर्ची भी इसमें डाल देंगे, तो ये भी हमारी हल्की सी सांस सीख जाएगी। और दोस्तों हमारे यहाँ जो मटर रखे हैं हम इसको भी इसमें डाल रहे हैं, फ्रोजन मटर है, जल्दी हो जाती है, तो हम इसमें ये भी डाल देते हैं। तो 5 मिनट हमने इनको साथ में हम इसको और ढक लेंगे, इनको भी हम ढककर पकाएंगे। दोस्तों हमारी मटर भाप में हो गई है, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं। तो दोस्तों आप अपने सब्जी के हिसाब से नमक का यूज़ करें, लाल मिर्च आप तेज मद्दी कैसी खाते हैं आप। सॉरी दोस्तों, मेरे यहाँ कुकर लगा है, इसकी आवाज़ आई होगी। यहाँ हम धनिया डाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है। दोस्तों यहाँ हम मिक्स करेंगे, मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। दोस्तों अब इसमें मैं मेथी डालूंगी, तो मैंने इसमें मेथी डाल दी है। दोस्तों हम इसे भाप में पका लेंगे, हम 2 मिनट इसे ऊपर ही डाला है, ये भाप में जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसे कवर करके रख देते हैं।
दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी मिट्टी, देखिए भाप में हो गई है। दोस्तों इसमें हम हमारे आलू भी हो गए हैं, ये देखिए दोस्तों आप जरूर बना के देखें, बहुत ही आसान है मगर बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। तो दोस्तों यहाँ हम टमाटर हल्का सा, एक छोटा सा टमाटर मैंने डाल दिया है, वो मैंने इसलिए डाला है कि हमारी सब्जी में हमें सूखापन नहीं लगे, तो मैंने यहाँ टमाटर डाला है दोस्तों। बस ये हमारा टमाटर हल्का सा नरम हो जाए, हमारी सब्जी तैयार है दोस्तों। क्या पूरी से किसी भी चीज़ हम किसी भी चीज़ से खाएंगे हमें बहुत ही टेस्टी लगेगी और हम किसी प्रकार से खा सकते हैं। आप पराठे में रोल करके खा लें, पूरी में खा लें, आप सिंगल रोटी से खा लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे सब्जी बनाकर खाएं। दोस्तों हमारी सब्जी हो गई, हम गैस बंद कर रहे हैं। दोस्तों हमारी सब्जी तैयार है, हमने टमाटर को नरम ही किया है, बहुत मैश नहीं किया है, तो ये हमारी सब्जी होके तैयार हो गई है दोस्तों। हम गैस से उतार रहे हैं, ये हम हरे धनिया से गार्निश कर दे रहे हैं। दोस्तों ये हमारी सब्जी तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली चीज़ है, सीजनेबल चीज़ है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों इसे हम रोटी के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों ये हमारी सब्जी रेडी है, और दोस्तों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।